वॉचर्स, माय नेम इज ट्रमल एंड यू आर वाचिंग 007 न्यूज, जहां आपको मिलेगी गेमिंग दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियसली माइक्रोसॉफ्ट ने यह रिवील किया था कि स्टेट ऑफ डिके 2 के रिलीज होने के 8 हफ्ते के अंदर गेम ने 8 मिलियन प्लेयर्स क्रॉस कर लिए हैं, और अब 5 जून को एग्जैक्टली गेम रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद माइक्रोसॉफ्ट ने यह रिवील किया है कि गेम 2 मिलियन से भी ज़्यादा प्लेयर क्रॉस कर चुका है और अब तक 2 मिलियन से ज़्यादा ज़ॉम्बीज एलिमिनेट हो चुके हैं। डेस्टिनी 2 का नया डीएलसी फोर सेटन प्रो एक्सबॉक्स 1 और PS4 के लिए 4 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। फोर सेटन डेस्टिनी 2 में नया वेपन टाइप ला रही है, बो एंड एरो। गेम डेवलपर बंजी ने एक नया गेम मोड अनाउंस किया है जिसका नाम है ड्रेमबिट, जो PvP और PvE को कंबाइन कर रहा है। टोटल वॉर 3 किंगडम्स को 2019 की स्प्रिंग तक के लिए डिले कर दिया गया है। पहले ये गेम इस साल की फॉल में रिलीज की जा रही थी। ये गेम सिर्फ PC पर रिलीज की जा रही है, बाकी और किसी प्लेटफॉर्म के लिए अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रोजा होरिजन सीरीज के डेवलपर प्लेग्राउंड गेम्स स्टूडियो को खरीद लिया है। स्टूडियो की वेबसाइट के मेन पेज पर एक अपडेट आया है जिसमें टेथ डोलीवर को न्यू डायरेक्टर कहा गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का डेप्यूटी जनरल काउंसिल है। टेलटेल की दी वॉकिंग डेड द फाइनल सीजन को इस साल की समर में रिलीज किया जा रहा है। इसका फर्स्ट एपिसोड 14 अगस्त को PC, Xbox One और PS4 के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी प्री बुकिंग 8 जून से शुरू कर दी जाएगी $20 में। रॉकेट लीग के लिए नया जुरासिक वर्ल्ड थीम DLC अनाउंस किया गया है, जिसमें जुरासिक वर्ल्ड की क्लासिक जीप इंक्लूडेड है। इस DLC की प्राइस $2 की गई है, जो 18 जून को रिलीज होगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही गेमिंग दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर लाता रहूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अगले हफ्ते के लिए न्यूज ढूंढनी है। बाय।